मीटर के बारे में, जो कि पिंड की तरलता, श्यानता या चिपचिपापन को नापने के काम आता है। ये आपका विस्कोमीटर है, ठीक है। इसमें 100 मिल का पिंड आता है, 100 मिल पिंड आपका आता है और इसको नापता रहता है। इसकी जो नापने का मानक है वो सेकंड लिया गया है कि आपका 100 मिल पिंड कितने सेकंड में गिरता है, फ्लो होता है, ठीक है। इसमें आपका एक कैप लगा होता है जिसको पिंड भरने के बाद खोल देते हैं और इसमें पिंड वो गिरता है और स्टोर हो जाता है। आपको जो आपका एनायमेंट पिंड होता है उसको गिरने का समय लमसम 20 से 22 सेकंड का है, ठीक है। और इनके ये पार्ट्स हैं और इसको इंडियन स्टैंडर्ड साइज 39-44 द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है इस साइज को। ये कई साइजों में आता है, B2, B3, B4, B6। ज़्यादातर यूज जो है B4 का करते हैं, जिसका डाया का साइज आपका होता है ±0.1, ठीक है। और इसको अगर mm में देखेंगे तो 3.97 mm, समथिंग 4, ठीक है। और इसका जो है इसकी हाइट जो पूरी होती है वो आपकी 76 mm है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की माप जो है 33 mm होता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये टोटल 66 mm होता है और इसके अंदर का जो डाया होता है आपका वो 50 mm होता है, प्लस माइनस 2, मतलब कि 2 पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और आपका जो इसका एंगल होता है, इसके कोण का एंगल वो 81 डिग्री है, ठीक है। और आपका जो इस डायमीटर का साइज होता है ये प्लस माइनस 1 होता है। सर जो इसमें ये IS 3944 ये क्या बताया आपने, फिर बता दो। ये भारत का मानक साइज है। देखिए अमेरिका IS का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। ये भारतीय मानक के अनुसार है क्योंकि आपके हर एक देश में अलग अलग मानक दिए गए हैं। जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो उनका स्टैंडर्ड साइज दूसरा है, ये आपके भारत का है, ठीक है। और इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं ये आपका वेल्डिंग आपका अपराइट स्टिक है, जिससे ऊपर नीचे करते हैं, आप कप को नीचे कर सकते हैं ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिट लेवल बेवल्स, इससे जो है आप इसको कप को घुमा सकते हो राउंड में, ठीक है। विस्कोमीटर का प्लेटेनिक रिंग, इसमें एक रिंग टाइप में लगी होती है गोल, जिसके अंदर कप को रखा जाता है। ब्रास विस्कोसिटी कप, ये आपका ब्रास का बना होता है और इसका विस्कोसिटी कप स्विच, इसमें जो है कप लगी होती है जिसको पेंट को डालने के बाद हम खोलते हैं बंद करते हैं। आउटपुट फ्लो होल, इसको मतलब आउटपुट मतलब इसको खोलते हैं तो इससे पेंट प्रवाह होता है। और आपके नीचे पेन होता है, अंडरटेकिंग कप, जिसमें ये पेंट को स्टोर करते हैं। ये आपका बेस होता है जिस पर कि आप कप रखते हैं और ये लेडिंग स्क्रू होता है जिसमें कि आपका ये स्टैंड खड़ा होता है। सर आप जिस प्रकार से ये जो B4 कप है, ये ऊपर का जो ये पीतल का वो बता रहे हो आप, ठीक है, तो जैसे नीचे जो मग रखते हैं इसका कोई मटेरियल होना चाहिए क्या, मतलब स्टील का होता है और ये कास्ट आयरन का होता है, ये बाकी आपका स्टील का होता है। चूना मिट्टी का हो सकता है, नीचे वाला चीनी मिट्टी नहीं यूज होती, चीनी मिट्टी तो बर्तन बनते हैं ना, ये कास्ट आयरन होता है, कांच का हो सकता है सर, कांच का नहीं, कांच का नहीं होता, फाइबर हो सकता है। सुनिए, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जो इसका जो ये डायामीटर होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील का होता है, कठोर धातु का, जिससे कि इसके साइज में कोई कमी बेसी ना हो, ठीक है। यह एक प्रवाह कप है जिसमें पिंड की तरलता, श्यानता या चिपचिपापन को सेकंड में मापते हैं। फ्लो कप को स्टेनलेस स्टील के छिद्र वाले पीतल के बने होते हैं, ठीक है। और इसको जब हम नापते हैं ना तो इसमें एक हमको स्टाफ वॉच रखनी पड़ती है, इसको देखने के लिए कि इसके कितने सेकंड में गिरा, वो आपका स्टाफ वॉच ही है, ठीक है। When the liquid start to fill the stream of water, the timing start. आप जब इसको पेंट भरने के बाद पेंट को जैसे गिरने लगेगा इसको ऑन करोगे और जैसे ही पेंट का प्रवाह बंद होगा तुरंत इसको ऑफ करोगे, वो जो आपका सेकंड में आएगा वो आपका विस्कोसिटी का मानक है। वैसे पेंट सर कितने टाइम में गिरना चाहिए, ये पेंट का 20 से 22 सेकंड है, बाकी पानी का जैसे वो आपका 10 से 12 सेकंड है। हाँ सर, तो सर वाला अगर 20 से
उसकी सहनता जो ज्यादा है। अगर जैसे 20 से कम में गिर रहा है तो मतलब पतला है, और 22 से ज्यादा में गिर रहा है तो मोटा है। ठीक है सर, एक बार फोर्ड कप दिखाओगे यहाँ पे रखे। वो मिलाने का मैटर, जैसे कि ये आपका है बी फोर्ड कप। यस सर। ठीक है, अगर आपका पेंट अगर मोटा है तो जब हम इसको चेक कर लेते हैं कि वो हमारा जो है जैसे कि 25 सेकंड में गिर रहा है, तो उस पेंट को हम अप्लाई नहीं करेंगे तो गाड़ी पे, क्योंकि वो मोटा पेंट हो जाएगा। मोटा पेंट करेंगे तो वो बहेगा या कोई कमी आएगी। उस पेंट को पहले हम सही करेंगे, उसको पतला करेंगे, फिर से उसको नापेंगे। जब उसकी विस्कोसिटी 20 से 22 सेकंड हो जाएगी तब हम अप्लाई करेंगे। इसका ये होता है सिस्टम। ठीक है सर। ठीक है, पेंट को पहले जांच लेते हैं कि वो प्रॉपरली बहुत पतला तो नहीं है, बहुत गाढ़ा तो नहीं है। उसके बाद जब उसकी सही कर लेते हैं बना करके, तब अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको गाड़ी में किसी प्रकार का दोष ना हो, पेंटिंग हमारी बड़ी बढ़िया और स्मूथ आए। ठीक है सर, जो इसके नीचे का छेद एक बार दिखाओगे सर जी, इसमें 100 ml का पेंट, 100 ml दिखाना सर एक बार जी। वो 100 ml पेंट ही 22 सेंटीमीटर में गिरेगा या थोड़ा सा? नहीं नहीं, 100 इसके नीचे का जो छेद है वो दिखाओगे सर कैसे? स्टेनलेस स्टील का देखिए बना हुआ है। यस सर। बाकी पीतल का है आपका, ये स्टेनलेस स्टील का है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। जैसे सर इसमें पेंट डालते हैं तो पेंट को रोकने के लिए तो कुछ करते होंगे? हां, इसमें एक कप लगा होता है जिस कप को पेंट डालने के बाद खोलते हैं, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। जब वो पेंट पूरा गिर जाता है तो स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं। उसमें जो भी 20 से 22 सेकंड का समय लगा उसको नोट कर लेते हैं। अगर वो मोटा है तो उसको पहले सही करेंगे पूरा पेंट अपना, फिर से 100 ml इसमें डालेंगे, फिर से नापेंगे, अगर सही है तब हम अप्लाई करेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी वो गुरुत्वाकर्षण नियम पे कार्य करता है। ठीक है सर।